मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होगा। हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, आज है 13 तारीख। तो आज जो है हम बदलने वाले हैं हमारी होटल। 10:30 बजे आएगी गाड़ी, 10:30-11 बजे गाड़ी आएगी हमको लेने के लिए। नाश्ता कर फिर फ्रेश हो जाते हैं। तो चलिए फिर अभी फिलहाल चलते हैं नाश्ता करने के लिए सबको उठा के। आधे घंटे में गाड़ी आएगी तो बस हम निकलेंगे वेगेटोर के लिए, वेगेटोर रिसोर्ट के लिए। तैयार होकर आ गए हैं यहाँ पर नीचे रिसेप्शन में। तो गाड़ी 10 मिनट में आ रही है, तो बस 10 मिनट में ही निकलेंगे यहाँ से। यस, होटल से निकल रहे हैं अभी। ये गाड़ी आ गई है हमारे लिए, तो बैग भी रख रहे हैं सब, तो बैग रख कर फिर निकलेंगे। ओ मुर्गन, मुर्गन का पैर टूट गया है, तो होटल पे ही दिखा देंगे डॉक्टर को। होटल पे आ जाएंगे, गेट और जा रहे हैं जिस रिसोर्ट में, उसका नाम है टोनवुड। यहाँ से जो है करीबन 8 किलोमीटर के आसपास हमारी दूसरी होटल है, बीच पर ही है, बीच रिसोर्ट ही कहते हैं। चले फिर पहुँचते हैं। तो स्टोनवुड होटल पर पहुँचे में काफी टाइम हो गया है, शाम होने वाली है, लेकिन बाहर का व्यू आपको दिखाना रह गया था। होटल में आते ही द्रुमिल के लिए पट्टी लेने गए थे, पैर में उसको दुख रहा है इसीलिए। तो अभी नीचे जाते हैं, वो लोग नीचे ही बैठे हुए हैं, तो उधर जाके पट्टी कर देंगे उसको, तो अच्छा लगेगा। तो अभी रूम तो अभी देना बाकी है, 12 बजे के आसपास मिल जाएगा रूम। चलिए अभी फिलहाल नीचे चलते हैं। तो सब वहीं पर बैठे, वेटिंग एरिया नीचे ही है स्विमिंग पूल के पास। हो गई बहुत अच्छी, कैसा लग रहा है तुझे पट्टी बांधकर? बढ़िया। अभी जैसे ही रूम में चेकिंग मिलेगा तो जाएंगे रूम में, आराम करेंगे, और फिर अभी धूप बहुत लग रही है तो बाद में ही हम जाएंगे नहाने के लिए। सी फेस बहुत ही अच्छा है, तो बाद में ही जाएंगे, शाम को ठंड कम हो जाएगी, बाद में ही जाएंगे। चेक इन करने में थोड़ा टाइम है, तो सोचा कि चलो बीच पर घूम कर आते थे। खड्डा हो गया, इसमें पानी भरा है। तो काकुट तो उलांगे चला ये खड्डा नहीं पड़े। यहाँ पर जो फोटोशूट है, होटल है वो वहाँ पर सामने ही है यहाँ पर, तो यहाँ से नीचे उतर कर भी यहाँ से बीच में आ जाता है। अच्छी खासी पब्लिक है यहाँ पर। अभी दोपहर है लेकिन गर्मी नहीं लग रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सीन तो मतलब पूछिए मत, इतना बढ़िया सीन है यहाँ पर। फोटोग्राफी कर अभी जा रहे हैं वापस ऊपर, तो अभी रूम देंगे थोड़ी देर में। तो ध्रुमिल बैठा है, उसको अभी क्या है वो कंटाल गया, तो उसके पास चलते हैं बातें करवाते। सब तैयार हो गए हैं और सब आ गए हैं, तो नहाने के लिए लंगड़ी घोड़ी हमारी बरबर लंगड़ी घोड़ी। वाह वाह वाह। अभी हम जाएंगे नहाने, तो अभी जो है हम बीच पर आ गए हैं, तो यहाँ पर अभी नहाएंगे और मजा करेंगे। तो दोपहर को जो गर्मी थी थोड़ी, लेकिन अभी का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही बढ़िया हो गया है।
ऊंधा ना थी ज्यादा। तो अभी अभी नहा कर आए हैं, मस्त बैठे हैं, सभी आराम कर रहे हैं और रिलैक्सेशन कर रहे हैं। सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको। फिलहाल हम मस्त नहा कर आ गए हैं, तो अभी जा रहे हैं रूम में नहाने के लिए फिर से वापस, क्योंकि पूरी बदन में जो है मिट्टी मिट्टी हो गई है, तो नहा लेते फिर जाएंगे खाना खाने। तो हमारे रूम में आ गए, आपको मैं रूम दिखा देता हूँ। दोस्तों तो अभी फ्रेश होकर अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो यहाँ पर जो है होटल की रेस्टोरेंट है, तो वहीं पर खाएंगे। हम जहाँ पर रुके वो ऐसा कॉटेज है, ऐसे चार कॉटेज है साथ साथ में। हमारा यहाँ पर है, नीलेश कुमार का यहाँ पर है, ध्रुमिल और मानव का उधर है लास्ट वाला। आ गए सब? आ गए कि नहीं है दूसरे? आ रहे। दोस्तों कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी उठ गए हैं, नहाया नहीं है, ब्रश ब्रश कर अभी जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता कर फिर आकर नहाएंगे। तो आज के सीन में ऐसा है दोस्तों कि आज हम यहीं पर रहने वाले हैं और शाम तक घूमेंगे यहाँ आसपास में और फिर जाएंगे एयरपोर्ट। हमारी 11 बजे की फ्लाइट है, तो 2 घंटे पहले हम पहुंच जाएंगे वहाँ पर। यहाँ की जो कार है हमें वो वहाँ छोड़ देगी एयरपोर्ट पर। तो चलिए अभी फिलहाल नाश्ता करने जाते हैं और फिर मिलते हैं। फिलहाल हमने नाश्ता कर लिया है, अभी हम बीच पर 9:30 हुए हैं, तो 1.5 घंटे तक यहाँ पर बैठेंगे शांति से। और सुबह का जो मौसम होता है यहाँ का बहुत ही खूबसूरत होता है, तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ बीच पर बहुत सारे केकड़े हैं, तो यहाँ पत्थर के बीच में जो दरार रहती है वहीं पर ये ज्यादा रहते हैं। ये जो सामने दिख रहा है वो छपुरा फोर्ट है। ये जो आदमी दिख रहा है वो बहुत ही दूर चला गया है अंदर। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए, स्कूटी लिए रेंट पर होटल से, क्योंकि शाम को 11 बजे का प्लेन है, तो 7 बजे गाड़ी लेने को, 6 बजे तक हम घूमेंगे, इसलिए स्कूटी लेकर हम निकले हैं घूमने के लिए। तो शॉपिंग करेंगे और फिर स्पा कराएंगे और फिर यहाँ पर आएंगे और बीच पर घूमेंगे। हाँ,
हमारी होटल थी नीलम, वहीं पर है खाना खाने है, यहाँ पर रेस्टोरेंट रखी थी, वापस जा रहे हैं वेगेट और हमारी जो दूसरी होटल है स्टोनवुड वहीं पर जा रहे हैं। इधर जो हमारी शॉपिंग और सब काम था वो पूरा हो गया है, रात को शायद हम निकलेंगे 7 बजे 7:30 बजे निकलेंगे यहाँ से, तो पहुँच जाएंगे अगर शाम को 11 बजे की फ्लाइट है तो। चले फिर निकलते हैं, हम आ गए हैं ध्रुमिल भाई को लेने उसके लोकेशन पर, तो वो अभी है हेलमेट पहन कर खा रहा है। हेलमेट पहन के क्यों खा रहा है? टैटू करवाया इसने, फिनिशिंग बहुत अच्छा है, गारंटी ली है। तो होटल पर पहुंचकर सामान लेकर फिर हम निकल गए एयरपोर्ट के लिए, तो ज़्यादा शूटिंग का टाइम नहीं था इसीलिए फटाफट से बैग पैक किए और गाड़ी में रखकर फिर निकले हैं। एयरपोर्ट वाले हमारे बेनी ओके, तो हमारे ध्रुमिल भाई को स्पेशल फैसिलिटी मिली है एयरपोर्ट वालों की तरफ से, तो सामने ही उन लोगों ने पूछा था पैर देखकर कि क्या प्रॉब्लम है, तो व्हीलचेयर उन्होंने ही प्रोवाइड करवाई सामने से, लेकिन इसको देखकर हंसी बहुत आ रही है हमें। तू याद ना करा घड़ी घड़ी। तो फ्लाइट में बैठने के लिए हमें इसी गेट से अंदर जाना है, तो जैसे ही फ्लाइट का प्रॉपर टाइम होगा तो फिर हम अंदर जाएंगे। ये नो स्पेशल है जो है। यो ब्रो, तो घर के लिए हम निकल गए, मोदी अंकल जो है लेने आ गए थे हमें। तो बाहर देखने के लिए विंडो सीट ली और खुद सो गए। तो अहमदाबाद पहुंच गए, थोड़ी देर में फ्लाइट लैंड हो जाएगी। तो लैंड हो गए हम, यहाँ पर ध्रुमिल को नीचे उतार रहे हैं। हेलो दोस्तों, अभी हम घर पर आ गए, नहा धोकर फ्रेश हो गए हैं, तो हमारी गोवा ट्रिप के जो वीडियो है यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होंगे, तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो और बताना कि आगे हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाए कि ना लाए। तो चले फिर इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, सीताराम बाय।